वेलकम बैक एवरी वन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 264A सीरीज यूपी RO के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, और जितने भी टेस्ट हो गए हैं इसके उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 264 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इनमें से केवल एक ही सही होगा और 3 गलत होंगे। लद्दाख के पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रेणी और पश्चिम में जास्कर पर्वत है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है। लद्दाख के उत्तर में नंगा पर्वत और दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में जास्कर श्रेणी। देखिए, नंगा पर्वत तो उत्तराखंड में है, इसको तो वैसे ही हटा दीजिए दूसरे वाले को। नागा पर्वत मतलब दूसरा तीसरा जो भी है गलत है, वो नंगा उत्तराखंड में, नागा है ये। यहाँ पर सही हो जाएगा, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है इसके जास्कर श्रेणी। तो डी है इसका आंसर। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित है लद्दाख, जो कि अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में है जास्कर पर्वत श्रेणी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं? श्योक, चिनाब, झेलम, सिंधु। लद्दाख क्षेत्र से होकर जो नदी बहती है वो है सिंधु नदी और है श्योक नदी, यानी 1 और 4 इसका आंसर हो गया डी। देखिए, लद्दाख से होकर कई नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु तथा श्योक प्रमुख नदियां हैं। श्योक सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि ग्रेगरी हिमानी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तो कथन कारण वाला, स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना है कि इनमें से इन चारों में से क्या सही उत्तर हो सकता है। इसका कथन क्या है? भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। इसका कारण क्या है? लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इसलिए वो शीत मरुस्थल है। देखिए, बिल्कुल लद्दाख के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, क्योंकि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, ए है इसका आंसर। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तथा तेज जलने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। प्रेरी कहा जाता है किसको? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। लेकिन कहाँ के? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। देखिए, प्रेरी जो है वो शीतोष्ण घास स्थल है, कहाँ का? उत्तरी अमेरिका का। तो ए आंसर होगा इसका, डी होगा डी, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ये समतल मंद ढाल या पहाड़ियों वाले प्रदेश है, जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। देखिए, जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है, उसे घास स्थल यानी ग्रासलैंड कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का 1/4 भाग घास स्थल है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। और ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बेल्ट, डाउन्स, सवाना, प्रेरी, इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास स्थल है, कौन सा उष्ण घास स्थल है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाह तंत्र का संबंध प्रेरी घास के मैदान से है? सस्केचेवान नदी, सेंट लॉरेंस नदी, हडसन नदी, मिसिसिपी नदी। देखिए, इसका आंसर है मिसिसिपी नदी और सस्केचेवान नदी, यानी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लॉरेंस नहीं है, हडसन नहीं है। तो प्रेरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान का अपवाहन मिसिसिपी तथा उसकी सहायक नदियाँ, जबकि कनाडा के प्रेरी घास का मैदान का जो अपवाहन है वो सस्केचेवान नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं। बाकी 2 जो ऑप्शन में थे,
हडसन नदी न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा एग्जाम में पूछ लेते हैं। और सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ग्रेट लेक्स जो हैं नॉर्थ अमेरिका की सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, उनसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। नंबर सिक्स पर आ जाइए। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? स्टेपी तो यूरेशिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, बेल्ट कहते हैं उसको, बेल्ट सी। देखिए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थलों को बेल्ट कहते हैं। बेल्ट 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल है, कैंपोज ब्राज़ील में, स्टेपी यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर। क्वेश्चन नंबर सेवन पर आ जाइए। फिर से कथन कारण वाला प्रश्न आ गया, बताने की कौन सा इनमें से उत्तर दिया जाएगा उसका। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है क्योंकि प्रेरी क्षेत्र में गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है इसलिए। बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या भी करता है, तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ए है इसका आंसर। देखिए प्रेरी प्रदेश में वैज्ञानिक विधियों एवं आधुनिक उपकरणों के उपयोग से कृषि करने से उत्तरी अमेरिका विश्व के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादों में से एक है। और गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है। बेल्ट घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। जायरे एवं इसकी सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। बेल्ट जो कि अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल सही है। जायरे नहीं बल्कि ऑरेंज नदी गलत है, पहला दूसरा स्टेटमेंट। देखिए दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं तथा इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। ऑरेंज और लिम्पोपो की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं, न कि जायरे और इसकी सहायक नदियां। अमेजन नदी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही है? तीन स्टेटमेंट है। अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। देखिए इक्वेटर वाला एरिया बिल्कुल 0 डिग्री, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ पर ऐसा ही होता है, अचानक से वर्षा होगी, फिर अचानक से वर्षा कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, कि पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश यहाँ पर रहता है। तो तीनों के तीनों ये करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। उपरोक्त तीनों जो हैं कथन सत्य हैं। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता भी उच्च होती है, और रात के समय जो तापक्रम है वो कम हो जाता है तापमान, लेकिन आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी वैसे ही बनी रहती है जिससे वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आर्किड तथा ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन। आर्किड और ब्रोमिलाइड उगता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ए है इसका आंसर। देखिए वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की जो भूमि है वो सघन वन उग जाते हैं यहाँ की भूमि पर। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता, और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है, और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं, ठीक है, परजीवी पौधों के रूप में। बाकी महोगनी है, रोजवुड है, अबनूस है। 11वां प्रश्न है, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? यहाँ पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव को, यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ को, यहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए घरों को, या यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति को। क्या है मलोका?
देखिए मलोका है यहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए घरों को, सी है इसका आंसर। अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षावन में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है, और वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित किस नदी में सुशु नामक डॉल्फिन नहीं पाई जाती? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी, कावेरी नदी। यानी गंगा नदी डॉल्फिन की बात हो रही है, तो गंगा नदी में पाई जाती है ये, चंबल में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्र में भी है ये, कावेरी में नहीं है ये, डी है इसका आंसर। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में शुशु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी जल शुद्ध है तो डॉल्फिन रहेगी वहाँ पर, वरना पलायन कर जाएगी या मर जाएगी। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है, डॉल्फिन की प्रजातियों को। स्थानीय भाषा में सुशु के नाम से प्रसिद्ध गंगा नदी डॉल्फिन, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु मेघना नदी अपवाह तंत्र में जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं में पाई जाती है, और डॉल्फिन की जो अधिवास पसंदीदा नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा नदी, चंबल नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन में नहीं था डी, कावेरी नदी। और भारत में डॉल्फिन आपको मिलेगी असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल राज्यों में उनकी नदियों में। कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? गंगा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के तट पर, ए है इसका आंसर। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। कोलकाता एक नदी या बंदरगाह, इस तरह से ही प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है कि कोलकाता कैसा बंदरगाह, नदी या बंदरगाह। नंबर 14 पर आ जाइए, मानव बस्तियों के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए, दो दो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे वसाप कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर स्थायी बस्तियों में रहते हैं। देखिए घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अधिकतर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं, स्थाई बस्तियों में नहीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। वे बस्तियां या बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसे वसाव कहते हैं। आदर्श वसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी? अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। बस्तियाँ जो हैं स्थाई या अस्थाई हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अधिकतर या अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं, ना कि स्थाई बस्तियों में। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सबवे, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर। देखिए फ्लाईओवर तो मुख्य सड़क नीचे चलती है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाता है। एक्सप्रेसवे अभी को पता, सभी को पता होगा, राज्यों को राज्यों से, शहरों को शहरों से जोड़ता है। जो सबवे होता है वो होता है जमीन के नीचे, सी है इसका आंसर। देखिए भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर की बात करें तो उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं जो मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक के बोझ को कम करता है। और एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे एक द्रुतगामी परिगमन है जो राज्यों को राज्यों से या शहरों को शहरों से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? बहुत पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, यह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो पटना हटा दीजिए, कानपुर हटा दीजिए और अहमदाबाद हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। देखिए भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का जोड़ता है, डी है इसका आंसर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इस तरह के प्रश्न आपको लिसेंट में भी मिल जाएंगे। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इंडियन पैसिफिक रेल मार्ग या ट्रांसेडाइन रेल मार्ग। इसका आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, बी। देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जलमार्ग के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, जो सड़क पे चल गया वो सड़क मार्ग, जो जल में जलयान चल गए वो जलमार्ग हो गया। ठीक है, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। नदियाँ एवं झीलें दोनों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। नदियों का तो होता है, क्या झीलों का होता है? बिल्कुल, नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, वो अंतर्देशीय जलमार्ग है। बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, वो कई सौ किलोमीटर में फैली हैं। तो करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला भी स्टेटमेंट, और पहला तो है ही सही, सी है इसका आंसर। ठीक है, सड़क मार्ग से अधिक सस्ता है जलमार्ग। देखिए, अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स और अफ्रीका में नील नदी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स यानी महान झीलें। समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं, और ये मार्ग जो है वो पत्तनों से जुड़े होते हैं, यानी बंदरगाहों से। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन यहाँ पर बताने के लिए, इनमें से कौन सा सत्य है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएँ तो सीधे इंडिया का मैप माइंड में चलना चाहिए। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। बिल्कुल, यहाँ वर्षा कम है, यहाँ अधिक है, तो सही है पहला स्टेटमेंट। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, इधर अधिक है, यहाँ कम है। बिल्कुल, ये सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। इनको उल्टा भी कर सकता था और दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते। देखिए, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट घटती जाती है। 20वां प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सर्दियों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, पूछ रहा है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में वर्षा की मात्रा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होगी, यानी वेस्ट में अधिक होगी, जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कम होती जाएगी, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, क्रमशः पूछ रहा है, तो बी होना चाहिए इसका आंसर। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ, कई बार हमने इस पर चर्चा किया टेस्ट सीरीज़ में, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सर्दियों की वर्षा का कारण बनते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट वो कम होती जाती है। और मॉनसून क्या कर रहा था, मॉनसून ईस्ट टू वेस्ट कम हो रहा था। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कम हो रहा था, इधर अधिक था, यहाँ कम था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ अधिक है, यहाँ कम है। तो 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक से दो बार। धन्यवाद, इस तरह के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं।